आपको जैसे पता है यहाँ का ड्रग्स का ये डॉन है अकबर लगारी उर्फ टुंडा, तो इस पर हमारी काफ़ी अरसे से वर्किंग चल रही थी और इसको हमने तंबीह भी कराई हुई थी इलाके में, लेकिन चूंकि वो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड तो इनके कान पर जून नहीं रेंगी। और रात को हमने जब रेड किया तो इन्होंने, पुलिस चूंकि शुरू में बहुत कम थी और उसमें हालांकि हमारी ASP भी थी और लेडी ऑफिसर थी, जो हमारा कल्चर है सिंध का उसमें भी ये हम सबसे ऊपर ये चीज़ रखते हैं कि किसी लेडी को हम इस तरह से ना करें ट्रेसपास उनकी बॉडी को, तो उनको भी जो है इन्होंने पथराव किया और काफ़ी पुलिस को चोटें लगीं, लेकिन वो अपनी पोजीशन पे डटे रहे। इतने में टंडो मोहम्मद खान पुलिस भी पहुंच गई और अभी आपके सामने है कितनी रिकवरी यहाँ से निकली है। ये सारा जहर है जिसको बेच कर इन्होंने ये सारे महल बनाए हैं और ये सारा ड्रग मनी है इनकी, तो इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर केसेस भी होंगे। इनकी जो इल गॉटन वेल्थ है, इल गॉटन प्रॉपर्टी है, उसका भी हिसाब किताब होगा। और ये इन्होंने खुलेआम दहशत गर्दी की, पुलिस वालों के साथ इन्होंने ज्यादती की, उनको अगवा किया, हबसे भेजा में रखा, और उसके बाद जब पुलिस इस तादाद में पहुंची तो उसके बाद ये उनको छोड़ के यहाँ से भाग गए। तो केसेस दर्ज होंगे इनके ऊपर और इंशाल्लाह ताला कुछ बंदे हमने गिरफ्तार किए हैं सैकड़ों की तादाद में। यहाँ से मेनपुरी एक मंशियात का एक किस्म है जो सिंध में, लोअर सिंध में ख़ास तौर पर होता है, वो सैकड़ों की तादाद में बरामद हुई है जिसकी मालियत टेंस ऑफ करोड़ रुपीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला एक्शन होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कितने अजला की पुलिस ने इस ग्रैंड ऑपरेशन में हिस्सा लिया है? देखिए इनिशियली तो हैदराबाद पुलिस